दोस्तों स्वागत है आपका कार कंपेरिज़न के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है विशाल विदाटिया और आज हम डिटेल में बात करने वाले मारुति सुजुकी बलेनो कंपनी विडेट सीएनजी के बारे में। यस दोस्तों, मारुति सुजुकी बलेनो रिसेंटली अभी कंपनी विडेट सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ मारुति सुजुकी कंपनी ने इसे भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है और ये है डेल्टा वेरियंट। और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले डेल्टा वेरियंट के बारे में। और मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे ना, तो जो भी उनके अभी पेट्रोल मॉडल है, क्योंकि वो तो डीजल में अभी कोई भी गाड़ी नहीं बेचते, तो जो भी मॉडल है उसमें आपको सीएनजी फ्यूल ऑप्शन भी देखने को ज़रूर मिलता है। एक्सेल सिक्स में भी रिसेंटली उन्होंने सेम, मतलब बलेनो और एक्सेल सिक्स, ये दोनों गाड़ियों में जो नेक्सा के शोरूम में बेची जाती है, उन दोनों गाड़ी में आपको जो सीएनजी फ्यूल ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये डेल्टा वेरियंट, इसकी अगर आप एक शोरूम कीमत देखोगे ना, तो वो है 8,28,000 एक शोरूम कीमत। और इस कीमत में आपको डेल्टा वेरियंट में क्या क्या फीचर ऑफर किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये जो कीज़ है, ऐसे कुछ आपको दो कीज़ इसमें मिल जाती है, लॉक अनलॉक के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो फ्रंट से देखोगे तो जो डिज़ाइन है ना बलेनो का, जो पेट्रोल इंजन में बेची जाती थी, सेम डिज़ाइन है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें डिज़ाइन में मतलब चेंजेस है ही नहीं, सिर्फ आपको इसमें जो सीएनजी किट है वो इंस्टॉल करके दिया जाता है। फिर भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये डेल्टा वेरियंट में आपको जो हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर है, हेलोजन में इसमें मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे, ग्रिल अगर देखोगे तो ऐसी कुछ आपको ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है, सुजुकी का लोगो। बम्पर देखोगे तो वो भी बॉडी कलर में आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फोग लैंप की जगह है, बट फोग लैंप इसमें आपको नहीं मिलती है, आप एक्सेसरीज के तौर पर फोग लैंप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग है, क्योंकि गाड़ी अगर देखोगे तो सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी में है। दो वाइपर, दो वॉशर, और साइड से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। 15 इंचेस के जो स्टील रिम है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 185/65R15 के जो टायर है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक और रियर साइड में ड्रम ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 170mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो ORM है ये भी आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है और एडजस्ट भी आप अंदर से कर सकते हो। बॉडी कलर में आपको जो डोर हैंडल है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ग्लास एरिया देखोगे ना गाड़ी का, वो भी अच्छा खासा आपको बड़ा यहाँ पे मिल जाता है। और पीछे की साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है, एल शेप में जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। बलेनो की बैजिंग और ये जो सीएनजी की बैजिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हाई माउंटेड स्टॉप सिग्नल और ऊपर की तरफ देखोगे तो वो एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो नेक्सा की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो और चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पीछे के साइड से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डेल्टा वेरिएंट में जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है। अभी ये गाड़ी सीएनजी में है तो आपको सीएनजी के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि बेनिफिट में आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाता है। और बलेनो में जो सीएनजी फिलिंग वॉल है ना, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आप पेट्रोल भरते हो वहाँ पे ही आपको सीएनजी फिलिंग जो वॉल है वो यहाँ पे मिल जाता है। और जो स्विफ्ट में उन्होंने किया था ना कि इस साइड दिया था यहाँ पे, वो नहीं किया है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की होता है वो। तो यहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल भर सकते हो आप, वहाँ पे आपको सीएनजी फिलिंग वॉल यहाँ पे मिल जाता है। और 55 लीटर का जो सीएनजी वाटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेरे हिसाब से 60 लीटर का होना चाहिए था, बट ठीक है, आपको 55 लीटर का जो सीएनजी टैंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बूट में देखोगे तो सीएनजी टैंक है 55 लीटर का यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। स्पेयर व्हील देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कवर इसमें दिया गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, आप एक सैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, ऊपर की साइड भी जो सामान है वो रख सकते हो, बट ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते, क्योंकि सीएनजी टैंक आ गया है, स्पेयर व्हील भी है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं रख सकते। बाकी जो पार्सल ट्रे है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा कुछ बूट है जो कि आपको थोड़ा बहुत आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। ज़्यादा सामान रखना है तो आप ये पार्सल ट्रे हटा के ऊपर तक भी सामान रख सकते हो। और ये जो डिफॉगर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी है ताकि आप बूट एक्सेस कर सको। तो बाहर के साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको बलेनो डेल्टा कंपनी वेटेड सीएनजी का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है। और अंदर के साइड देखोगे तो अंदर के साइड भी आपको अच्छे खासे फीचर डेल्टा वेरियंट में मिल जाते हैं। इस वेरियंट की कीमत है 8,28,000 एक शोरूम कीमत। मैं ऑन रोड भी कीमत आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल है, जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन भी आप कर सकते हो, लॉक अनलॉक यहाँ पे है। और जो मिरर है वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। बाहर के जो ORM है वो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो।
और ये जो सीट है फैब्रिक सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका जो साइज़ है ना वो भी अच्छा खासा बड़ा आपको साइज़ मिल जाता है, बट ये फिक्स है, आप सिर्फ आगे पीछे और रिक्लाइन कर सकते हो। जो हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता। यहाँ पे देखोगे तो दो लीवर है, फ्यूल लीड और जो बोनट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो मैनुअल स्विच है, CNG से पेट्रोल आपको कन्वर्ट करना है या पेट्रोल से CNG कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हेडलैम्प के लेवल आपको यहाँ पे सेट करने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो स्टेयरिंग व्हील है ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। और जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ओके, सो ये गाड़ी का डैशबोर्ड। स्टेयरिंग व्हील देखोगे तो आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, गैप भी अच्छा खासा है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है आपको यहाँ पे, डेल्टा वेरिएंट में नहीं दिया जाता। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन ट्रैक चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, यहाँ से आप फोन रिसीव कट कर सकते हो। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है, स्पीडोमीटर, RPM मीटर, CNG कितना है गाड़ी में और पेट्रोल कितना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से आप एवरेज रेंज वो भी देख सकते हो। वो सिर्फ आपका एवरेज और रेंज है ना पेट्रोल में ही दिखाता है, जब आप गाड़ी CNG पे कन्वर्ट करते हो तो आपको जो रेंज है वो नहीं दिखाता, तो ऐसा कुछ है। बाकी इस साइड एक नॉब है, यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इधर देखोगे तो एंड्रॉयड स्क्रीन है 7 इंचेस की, और ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसको भी ये सपोर्ट करती है। हेजर लाइट के बटन यहाँ पे, और ये जो स्क्रीन है ना इसमें आपको रिवर्स कैमरा नहीं आता, एज अ एक्सेसरी आप रिवर्स कैमरा भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी AC वेंस का डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है। ये भी थोड़ा सा सिल्वर टाइप मटेरियल है, ग्लॉसी मटेरियल है, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी AC अगर देखो फुल ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है। बलेनो का कौन सा भी आप बेस वेरियंट भी लोगे तो भी आपको इसमें जो AC है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है। नीचे अगर देखोगे तो 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। USB कनेक्टिविटी के फीचर है, यहाँ पे दो कप होल्डर, गेयरबॉक्स 5 स्पीड है, एकदम स्लिक शिफ्ट में कोई भी इशू नहीं। और यहाँ पे हैंड ब्रेक, यहाँ पे एक मोबाइल रखने की जगह भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्लव बॉक्स देखोगे तो ऐसा कुछ आपको छोटे साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। जो टेनाइट आयर में वो आपको मैनुअल में आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक ओके, कोई भी टिकट होल्डर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेनिटी मिरर आपको मिल जाता है। और ये जो लाइट्स है वो आपको हैलोजन में यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे भी एक लाइट है जो कि हैलोजन में आपको मिल जाती है। तो डैशबोर्ड में देखोगे तो ऐसा कुछ आपको फीचर ये गाड़ी ऑफर करती है। और जो सेकंड रो है वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि बलेनो गाड़ी देखोगे तो वो स्पेस के लिए जानी जाती है, तो स्पेस आपको गाड़ी में अच्छा मिल जाता है। अभी अगर हम इंजन की बात करेंगे बलेनो CNG के बारे में, तो ये गाड़ी CNG में है तो 1197 cc का जो 4 सिलेंडर इंजन है वो आपको यहाँ पे BS6 मिल जाता है। और CNG में इसकी पावर फिगर देखोगे 76 BHP और 98 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है, और एवरेज आपको तगड़ा मिलता है इसमें, 30 का जो एवरेज है इसमें क्लेम किया जाता है। और ये ऑन रोड पे आपको जो एवरेज है ना वो भी अच्छी खासी आपको एवरेज मिल जाती है। और 55 लीटर का CNG टैंक है तो आप इसमें एक 7 से 7.5 किलो तक CNG भर सकते हो। और अगर टैंक टू टैंक एवरेज देखोगे ना तो 220 से 230 किलोमीटर तक आप फुल्ली इसको चला सकते हो CNG में, और बाद में पेट्रोल है या फिर आपका CNG टैंक नज़दीक रहेगा तो वहाँ पे भी आप CNG फिल कर सकते हो। वारंटी ऑफर देखोगे तो 40,000 और 2 साल की जो वारंटी ऑफर है वो आपको मारुति सुजुकी बलेनो के ऊपर मिल जाती है, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके, वो आपको शोरूम में सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ था मारुति सुजुकी बलेनो डेल्टा कंपनी वीडियो CNG के बारे में। आपको ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आपको किस गाड़ी के ऊपर चाहिए ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।